से गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए इतना काम कर दिए हैं कि जिसका कोई शुमार नहीं है। इनमें दमखम वो है कि महापौर बनकर भी सारे समाज को ईमानदारी पूर्वक अच्छी तरह से सेवा करेंगे। मेयर बनाना नहीं है, मेयर बन चुके हैं। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, बिहार में नगर निकाय चुनाव की आगाज कल यानी 18 दिसंबर से हो जाएगी। पटना नगर निगम के जितने भी प्रत्याशी हैं वो चुनावी मैदान में हैं और अब एक एक करके लोगों के बीच जा रहे हैं, क्योंकि इस बार सिलेक्शन नहीं, इलेक्शन है। लोग डायरेक्ट अपने मेयर पद को चुनेंगे और वार्ड 44 से एक नाम जो है पटना में वो खूब गूंज रहा है, नाम है माला सिन्हा का। नाई समाज के लोगों ने भी आज ऐलान कर दिया है और साथ में रजक समाज के लोग यानी धोबी समाज के जो लोग हैं वो भारी संख्या में पटना में रहते हैं और उन्होंने भी आज ऐलान कर दिया है कि माला सिन्हा को ही जिताना है। सबसे पहले हम इन्हीं लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उम्मीदवार तो बहुत है मैदान में, माला सिन्हा का नाम क्यों चुना आपने? माला सिन्हा वार्ड पार्षद रह चुके हैं और इन्होंने खास करके गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए इतना काम कर दिए हैं कि जिसका कोई शुमार नहीं है। अगर कोई घर में बीमार रहता है, इनको खाली मालूम हो जाता है कि उसके कहाँ बीमार है, अपना गाड़ी में बैठा के हॉस्पिटल तक पहुँचाना, सारे अपना खर्चे पर इलाज करना। अगर कोई बुजुर्ग आदमी मर गया, उसका बेटा बेटी असमर्थ है, उसको काम क्रिया टोटल अपना पैसा से करवाना। चली जाती हैं खुद? हाँ हाँ, एकदम जाएंगे, घर पर जाएंगे, जाके साथे खाएंगे भी बैठ के। मतलब पूरा उम्मीद है माला सिन्हा से कि पूरे उम्मीद है। किसी बीडो के लड़की के शादी करना है या लड़का को शादी करना है, उसमें पूरे खर्चा से, अपन खर्चा से, अपन पॉकेट के खर्चा से शादी ब्याह करवाते हैं, हर काम में ही आगे रहते हैं। कितना जो वोटर हैं रजक समाज के पटना में रहते हैं? देखिए, यहाँ तो 32,240 हैं। बाकी हमारा सबसे बड़ी बात है पटना नगर निगम के बाद है, सशक्त समिति वर्ष 1918 में खासकर धोबियों के लिए एक एजेंडा नंबर 217 पर यह स्पष्ट किया गया था कि धोबियों के विकास के लिए 1,44,00,000 रुपया दिया गया था। और पूर्व के जो हम नाम नहीं लेना, जो मेयर जो थी उनके रहते भी वो अनुभूत योजना के अंदर 2.5 वर्ष भी जाने के बाद भी धोबी समाज के विकास के लिए उन्हें 1 रुपया आवंटन नहीं दिया। जब 40,00,000 रुपया आवंटन नूतन राजधानी के पास मुहैया भी गया तो उसको फॉल्स करके और धोबियों का विकास नहीं किया। हमको पूर्ण आशा है कि अगर माला सिन्हा भी जिस तरह से काम करती है और जिस तरह से नीचे स्तरों के लोगों के लिए जो 3 बजे भोर से धोबी लोग कपड़ा धोते हैं उसके विकास के लिए कटिबद्ध है, और हमको पूर्ण विश्वास है कि जिस दिन ये मेयर बनेगी तो हमारे समाज के लोगों का विकास होगा। इसी विश्वास के साथ मैं इनके कदम में कदम मिलाकर इनके साथ हूँ, चाहे इसका परिवार जो भी होगा, मैं माला सिन्हा के बाद जिंदाबाद रहेंगे। क्या कहना चाहिएगा रजक समाज के लोगों के जो देख रहे हैं? जो रजक समाज के लोग, सारे लोगों का मैं घर घर घूम रहा हूँ और घर घर जाकर इनके जो नियमावली जो उपदेश है और जो इनका कार्यकलाप है उस बातों को मैं जागरूक हूँ। और मेरे समाज के लोग तो धरती से जुटे हुए हैं, सब लोग खुशी हैं। मेरे समाज के 50 ऐसे व्यक्ति हैं जिनका इन्होंने मरनी जीनी दुख सुख हॉस्पिटल में इन्होंने सहयोग किया है, तो मरता क्या नहीं करता, जिसके लिए सहयोग करेगा उसके लिए कौन नहीं करेगा। ये रजक समाज के लोग हैं, बीच में माला सिन्हा बैठी हुई हैं और दूसरी तरफ जो है वो नई समाज के लोग हैं। क्या नाम हुआ सर? कृष्णा शर्मा। अच्छा, माला सिन्हा का नाम क्यों चुना नई समाज के लोगों ने? देखिए, बहुत है मैदान, हम लोग तो पूरे पटना में कोने कोने में हम लोग छाए हुए हैं, गली गली में छाए हुए हैं। हम रहते हैं बेली रोड में, लेकिन इनकी वार्ड में जो हमारे भाई बंधु परिवार समाज के जो लोग रहते हैं इनका नाम से बहुत चर्चित उन लोग किया हमारे पास आ करके कि भैया माला सिन्हा जो है हम लोग के सुख दुख में हमेशा खड़ी रहती हैं, तो ऐसा किया जाए कि हम लोग एक अपना समाज की ओर से माला सिन्हा के लिए कुछ हम लोग करें। तो हम इनसे कहें कि ऐसे कैसे क्यों कर दें, हम अपने समाज के लोगों से बोले कि ऐसे क्यों कर दें। तो हम लोग एक टीम बना करके इनके आवास पर जाकर के एक दिन हम लोग इनसे मिल के बात किए। इनके व्यवहारों से, इनका पति के व्यवहार से हम प्रभावित हुए और प्रभावित हो करके हम अपने बीच जा करके बात को रखे, हम अपने समाज के पदाधिकारियों के बीच जा के बात को रखे कि माला सिन्हा ही एक ऐसा कैंडिडेट हैं, महापौर के कैंडिडेट, कि जो हम लोग के हित के लिए बारे में वो सोच रही हैं, समझ रही हैं और दुख दर्द को साथ को बांटने के लिए तैयार है कि जीतने के बाद आपके सब काम को पूरा कर। हाँ हाँ, एकदम एकदम
विश्वास है हमको, विश्वास के साथ जुड़े हैं। और इनके हस्बैंड भी हमसे कहें कि अगर हमसे जुड़ते हैं तो दिल से जुड़िए भैया, तो हम आपको जो कहिएगा हम करने के लिए तैयार हैं। तो हम आखिर क्यों नहीं इनके लिए बलिदान दें? माला सिन्हा बनेंगे मेयर? हाँ, अभी पक्का है कि मेयर बन जाएंगे। दम पक्का? हाँ, यहाँ जान रहे हैं कि बदलाव जरूरी है। हाँ। पिछले मेयर जो है लुटेरा है, सब लूट के रख दिए, कोई पब्लिक के कोई फायदा नहीं हुआ। देखिए पटना में नाली और जंगल बना के छोड़ दिया, पहाड़ बना दिया। चलिए तो देखिए बहुत सारे लोग जो हैं वो भी बैठे हुए हैं, बात भी करेंगे एक एक करके सबसे। क्या नाम हुआ सर? देखिए माला सिन्हा से बहुत आशा उम्मीद इसीलिए है कि पार्षद रहते हुए ये जो काम किए हैं गरीब गुरबा के सारे समाज का, इस इनमें दमखम वो है कि महापौर बनकर भी सारे समाज को ईमानदारी पूर्वक अच्छी तरह से सेवा करेंगे। और एक खास बात ये है कि हम लोग महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाना चाहते हैं, महिला को सत्ता में भागीदारी बनाना चाहते हैं, ताकि हम लोगों का आवाज़ वहाँ बुलंद हो सके और सारा समाज का काम जीतेंगी। हाँ, बहुत दमखम है महाराज सिन्हा जी के। और भी लोग बैठे हुए हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ राजकुमार ठाकुर। किसको इस बार मेयर बनाना है पटना का? मेयर बनाना नहीं है, मेयर बन चुके हैं। कौन? माला सिन्हा। इनको चुनाव भी नहीं हुआ? अरे इनको कोई नहीं रोक सकता है। हाँ। काम कंप्लीट है, जैसे हो इनको निकाल देना है। इनसे बेहतर जितना भी मेयर प्रत्याशी है कोई नहीं है। सही बोल रहे हैं जी? हाँ से ना, बिल्कुल सही है। इन्हीं को बनाना है? इन्हीं को बनाना। इनमें ऐसा क्या देख लिए कि भाई इन्हीं का नाम आप लोग? इनके आदमी जो महिला काम करेंगी उन्हीं को ना हम पूजा करेंगे, जो बात को सुनते हैं उन्हीं को ना हम मेयर चुनेंगे। आपका सुनते? जी हाँ, आगे सुनेंगे जब बन जाए। एकदम सुनेंगे। कौन बनेगा सर इस बार पटना का मेयर? मात्र 10 दिन बचा है। आस्था तो माला सिन्हा में है, इनको पूर्ण रूप से सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इनके काम से हम लोग संतुष्ट हैं और समझते हैं कि इनको जीतने पर हम लोग का नगर विकास करेगा। तो देखिए इसी आशा इसी उम्मीद के साथ ये लोग जो हैं, जितने भी नाई समाज और धोबी समाज यानी रजक समाज के जितने भी लोग आते हैं, उन्होंने आज ऐलान कर दिया है कि माला सिन्हा ही पटना की मेयर बनेगी। अब देखना है 28 तारीख को चुनाव है, ईवीएम में तमाम प्रत्याशियों का जो भी किस्मत होगा वो कैद हो जाएगा, और कैद होने के बाद अब देखना है 30 तारीख को जो रिजल्ट आएगा उसमें पटना का मेयर कौन बनता है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने अब तक हमारे Facebook पेज को फॉलो नहीं किया है तो जल्द से जल्द जाके फॉलो भी कर लें। धन्यवाद।